सीधे सात शब्दों के अंदर हरेंद्र मिर्धा जी
जो आपके यहाँ पे समर्थन मांगने के लिए हाजिर हुई हूँ और विश्वास करती हूँ आपको दूसरा मौका मिला है आप लोगों को इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और 21 तारीख को जब वोट खड़ेंगे पेटियों में से जब लिखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में हरेंद्र मिर्धा जी को चिता करके मेरे काम से आने वाले 4-4.5 सालों तक केसर की किस्मत बदलने का जो काम है वो लोग आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे सीएम साहब का प्रेसिडेंट साहब का जिन्होंने हरेंद्र मिर्धा जी को यहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित करा और बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहती हूँ हरेंद्र मिर्धा जी का कि लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाने के बाद में आज वो मुख्य धारा से वापस जुड़े हैं यहाँ पर आए हैं और भारी समर्थन जिस किसान खेती का जो टाइम है उस टाइम पर जो यहाँ पर भारी समर्थन देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि जरूर से आपके पक्ष के अंदर यहाँ पे मतदान होगा कांग्रेस यहाँ से भारी मतों से जीत करके निकलेगी और ये मेरी बात बताना चाहती हूँ कि भाई हम लोग आपके काम के अंदर हमेशा हाजिर रहेंगे पर हमें विधायक बनाओ हमें जाकर बोलते हैं कांग्रेस के अंदर सीएम के अंदर बाकी जगह को आधा रखते हैं फर्स्ट इंडिया हमारे बीच में परम माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जैसा कि मुझे सुना है भारतीय परंपरा अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं प्रदेश के अध्यक्ष सचिन जी पायलट के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बार की जिला से निवेदन है कि सचिन जी पायलट से आपका माला पहना के स्वागत करें एवं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जागृति से निवेदन है जो साफा पहनाकर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय सचिन जी पायलट आपका स्वागत करें विजय पाटिल से निवेदन है कि वो भी सचिन साहब का माला पहना के स्वागत करें विधायक विजय पाटिल से निवेदन है विधायक चेतन जी से निवेदन है कि वो सचिन जी का माला पहना के स्वागत करें स्वागत इसी कड़ी में हमारे शिक्षा मंत्री परम आदरणीय गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब हमारे बीच उपस्थित है उनके स्वागत के लिए हमारे पूर्व विधायक मान्य अभिभु रहमान जी से निवेदन है तो साफा पहना के स्वागत करें अभिभु रहमान जी गोविंद सिंह जी डोडासर साहब का डॉक्टर सहदेव जी चौधरी से निवेदन है कि माला पहना के स्वागत करें डॉक्टर सहदेव जी चौधरी से निवेदन है कि माननीय गोविंद सिंह जी का माला पहना के स्वागत करें इसी कड़ी में हमारे भी हमारे सरकार के माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी का धन्यवाद हमारे बीच उपस्थित है मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय विधायक यादव मुकेश जी बागत से जो मंत्री जी का साफा पहना के स्वागत करें माननीय विधायक पर्वत गावड़िया जी से निवेदन है जो माननीय मंत्री जी का माला पहना के स्वागत करें 46 51 स्वागत की रसम पूरी करते हुए अगले वक्ता के रूप में हमारी सरकार के माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी का आशीर्वाद साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वो उद्बोधन के लिए मेरे को तशरीफ लाए परम माननीय प्रताप सिंह जी का आशीर्वाद साहब साथियों माताओं बहनों आज पूरे राजस्थान की पूरे हिंदुस्तान की नजर नागौर की धरती की ऊसर पर है हमारे बीच में राजस्थान के लोग हुए मुख्यमंत्री सादगी और विनम्रता के प्रति आदरणीय अशोक गहलोत जी उपस्थित हैं राजस्थान के नौजवानों के नेता
देश में यूथ आइकॉन बनकर लड़ने वाले युवा राजनीति के प्रति राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी उपस्थित है और हमारे बीच में आप अगर हमारे लाडले हरेंद्र मिर्धा जी आपके उम्मीदवार के रूप में उपस्थित है। आदरणीय जाकिर भाई, आदरणीय ज्योति मिर्धा जी, महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी, डॉक्टर साहब, श्रीमती मंजू मेघवाल जी, विधायक मुकेश जी, रामनिवास जी, मांगीलाल जी डांडा साहब, अमीपुर जी रहमान, श्रीमती बिंदु जी चौधरी, चेतन जी टूडी विधायक, सोना देवी जी बावली, भद्री जी जाकर, ओम जी सैन, मांगीलाल जी, कन्हैयालाल जी, जगदीश शर्मा जी, रामचंद्र जरोड़ा जी, सुनील परियार जी, आजी कयूम जी, श्रीमती गीता सोलंकी जी, सम्मानित मत नाम इतना ज्यादा है कि मायने के पूरा नाम पढ़ता पढ़ता मान चालो पांच मिनट लाग जा मेरा ज्यादा समय आपके बीच में कंटिन्यू क्योंकि आप सब जानो कि पूरे राजस्थान में जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत यही लगा कि उनकी सरकार चली गई। बीजेपी के लोग यही बात करते रहे कि ये तो थोड़ी सी कमी रह गई, हमारी किसी पर सीट आई है, थोड़ा बहुत हम लोग लगाते तो हमारी पूरी सीटें आ जाती। मैंने बीजेपी के लोगों से कहा अमन कभी नहीं करना चाहिए, मैंने बीजेपी वालों से कहा लोग भ्रमण करते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पूरे आम चुनौती देती घूमती थी, पूरे राजस्थान में घूमती थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया और बीजेपी का जब राज बदल गया बीजेपी के लिए लोगों ने आज ही एक ही प्रचार चालू किया। कांग्रेस और काल चिराती एक है, काल पड़े लो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गयो, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन गयो, प्रताप सिंह का मंत्री बन गया, प्रताप सोनी देवी इतनी बर्दाश्त की है कि वसुंधरा जी खुद बात बर्दाश्त के मायने नजर के मायने पक्की झालवाड़ झालावाड़ के मायने आप बातों को बता दो एक बीजेपी को नेता टिकट को नहीं पायो है। बीजेपी वाला का घमंड में जोड़वा को कहा कांग्रेस अकेली बनी करे, राजस्थान की जनता बनी करी है, भगवान के ऊपर तू बरसात बरसात भाटा की दी है। बीजेपी वाला के नेता घमंड करना छोड़ दो, बीजेपी वाला एक ही बात कह दिया है राम जी माता सीता जी माता राम जी की फाका सीता जी की फाका बोले सारो चलो सरन का ठेकेदार नहीं रहा जैसे धर्म का ठेकेदार तुम ना बता दो बीजेपी वाला फाका आज तू राजस्थान निकल गयो, राजस्थान की सरकार निकल गई। और मैं आज आपको दावे से कह रहा हूँ यही घोड़े होंगे यही मैदान होगा यही राजस्थान की धरती होगी और इसी लोकसभा से मैं आपको बीजेपी को विदा होते हुए बता दूंगा जो भ्रमण कर रहे हैं। आज आम आदमी परेशान है, पूरा देश का नौजवान परेशान है, आज नौकरी से रोने की आवाज आती है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कुछ फैसला कर लो कौन सा भला हो गया राजस्थान की जनता का, कौन सा भला हो गया हिंदुस्तान की जनता का। नोटबंदी और जीएसटी ने देश को बर्बाद कर दिया, चारों तरफ आर्थिक मंदी का दौर है। जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री से जमीनों की कीमतें आसमान पर चलती थी, जगह जगह जमीनों का कारोबार होता था, सब काम से बढ़िया करते थे, नोटबंदी लगाई अपनी जीत के दम पर लगाई और नोटबंदी के बाद देश बर्बाद हो गया। अब एक नया काम शुरू हो गया जिस पर कोई नहीं बोलता। मैं थाना समझा दू लोगों ने सब जगह धारा 370 है का ही उनको आप बता दें, सब जगह बात बड़े हो रही है, सब एक ही बात करें कि बीजेपी वाला धारा 370 खत्म कर दी। मैं खास कर गाँव में गयो मैंने लोग पूछा बना बताओ क्या धारा 370 है का ही, मैं तो तू बताता सको है कि मैं सबको तो कोई बड़ा बार में आ रही है कि मोदी अब तक कुछ तो काम कर दियो कि नोटबंदी लगाई कि धारा 370 भी खत्म कर दी। धारा 370 को लगा हुआ बाप समझ से मार्जन हो धारा 370 आज 22 अक्टूबर आज से जब देश आजाद हुआ उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमलों कर दियो और हम लोग हिंदुस्तान पूरा पर को नहीं गयो, सिर्फ कश्मीर की तरफ को हम लोग गयो। पाकिस्तान कश्मीर को राजा और राजा हरी थी आपने राजस्थान में नरेना गांव में सामक मेरा का खंड है बटो नरा नरेना का राज का खंडा लो जिता उस पर गया कश्मीर जवान को बना को राजा बड़ो राजा हरी थी राजा हरी सिंह जीत कर ली के नाम पर मैं हिंदुस्तान में शामिल हूँ ना पाकिस्तान में शामिल हूँ
मैं तो कश्मीर को राजा मानो कश्मीर अलग रहे दो। जब वो फैसले ले लियो तो बीच बात 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान हमलो कर दियो। कश्मीर में राजा किसी की फौज पाकिस्तान को हार ली, लगातार पाकिस्तान की फौज आगे बढ़ रही। शेख अब्दुल्ला सिखाने सिखाने कश्मीर का वजीर की उपाधि जो है राजा ने जिसने लाई थी, राजा खान की लड़की जिसके मान को कश्मीर चले जाओ और पाकिस्तान का